हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है मीशो की ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर ज्वेलरी। और वैसे भी हमारा फेस्टिव सीजन बस आ ही गया है और इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, और मुझे लगता है हर एक औरत को पसंद होगी ही होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा सुंदर होती है और बस काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यार बस अब ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि मेरे को भी एक्साइटमेंट है उनको ट्राई करने की, आप लोगों से शेयर करने की, और वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो इसलिए जल्दी कवर भी करनी है। सो विदाउट फर्दर आई डू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे इयररिंग्स कॉम्बो से। इसमें चार सेट्स हमको मिलते हैं, चार पीसेस मिलते हैं बेसिकली हमें। और जिसमें से पहला है ये वाला, बहुत ही ज्यादा प्रिटी सा दिखाई देता है हमारे। इसकी क्वालिटी इज वेरी वेरी नाइस। सी वाला कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, वो है ये वाले। ये वाले ये मुझे बहुत ही ज्यादा ना प्यारे से लगते हैं, एलिगेंट से लगते हैं, ऐसा दिखाई देता है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मतलब सबके पास होनी चाहिए ये वाले डिज़ाइन के। तो देखो कितने प्यारे स्क्वायर शेप में दिखाई देते हैं ये हमारे। मैं आपको एक बार ही पास से भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखो कितना प्यारा इस पर काम हो रखा है, ज़्यादा सुंदर लगता है। और एक और है, मैंने आपको पिक्चर में इंसर्ट कर दूँगी, डिट्टो कॉपी पेस्ट पिक्चर जैसा ही आया था। मेरे पास है नहीं वो क्योंकि मैंने अपनी कज़न को दे दिया है, बल्कि डिट्टो कॉपी पेस्ट सेम ही आता है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि ना पहले मैं इयरिंग्स ही कवर कर लूँ। नेक्स्ट है ना, ये मैंने दो सेट लिए थे। इनमें ना आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं, मतलब इन सब में एक सेट में आपको चार इयररिंग्स मिलते हैं इन टोटल। इतना ज़्यादा प्यारा सा डिज़ाइन मिलता है, ये कलर ही कितना ज़्यादा सुंदर है। ये पिंक वाला, ब्लू वाला, फिरोजी सा, ये येलो कलर का, आपको इन टोटल ये चार पीसेस मिलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद मैंने एक और लिया था, ये भी कलर वाला है क्योंकि मेरे पास ना कलर वाले हैं नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अफोर्डेबल लगे थे और सुंदर भी। ये वाला डिज़ाइन है, इसमें एक ये रेड कलर का है वाला, बहुत प्यारा सा। ग्रीन वी हैव, येलो कलर की मोटी है, और मेरे ना कान की जो है ना मोरी वो छोटी है तो मैं थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट हो जाता है काम। ये वाला कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, ये सारे के सारे सेट ऐसे ही लगेंगे, ऐसा सा दिखाई देता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था कि ना मैं ऐसे ऑक्सीडाइज में ना एक ईयर कफ ट्राई करूं। मेरे पास एक सिंगल पीस भी नहीं है, तो मुझे था कि इतनी इयरिंग्स तो होती हैं कॉमन से, तो एक अलग सा डिफरेंट सा भी होना चाहिए। इसका जो डिज़ाइन है ना, मतलब इसमें शायद एक और डिज़ाइन था, बट मुझे ये फ्लावर वाला ही अच्छा लगा। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी, थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगा, बट हाँ डिफरेंट है। इसमें पीछे आपको ना ऐसे कुछ ऐसे इयरिंग्स वाला मिलता, सिंपल ना ऐसे हुक से मिलते हैं, आपको ना अपने कानों पर ना बस लगा लेना है इनको। ओह माय गॉड, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी डिफरेंट सा डिज़ाइन है इसका हमारा। ये भी मुझे थोड़े से ओवर प्राइज लगे, बट मैंने रखी है क्योंकि ये काफ़ी क्यूट है। मतलब ये ओवर प्राइज इसलिए क्योंकि ये लाइट वेट भी है पहली बात, मतलब लाइट वेट होना अच्छी बात है, बट वो लाइट वेट एज इन बहुत हल्के से लगते हैं और काफ़ी छोटे से हैं जितने पैसे ले रहे हैं ना उस हिसाब से, बट ठीक है अब मैंने ले लिए तो मैंने रख लिया। ये कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं ये वाले। हाँ थोड़े से 150 रुपए के थे शायद ये, बट ठीक है सुंदर है। ये तो बहुत वायरल हैं, आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ना ये ऑलरेडी इयररिंग्स का सेट देखा होगा या शायद ले ही लिया होगा। ये ग्रीन वाला सेट है हमारा, पहला डिज़ाइन है हमारा ये वाला, बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर है। देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे डार्क ग्रीन में आता है। मुझे ना क्या अच्छा लग रहा है कि ना इसमें ऐसे इन्होंने ना मोती वाली डिटेलिंग दी हुई है, जिससे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सा। और ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, देखो यार कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, नहीं तो दिखाई देता है बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा। इसमें कलर है शायद इसको एमराल्ड वॉट एवर वो वाला ग्रीन बोलते हैं आप, पता नहीं, ये कुछ ऐसा सा दिखाई देता है हमारा। ये वाले अगर आप लोग सोच रहे हैं कि थोड़े महंगे हैं, तो नहीं यार क्वालिटी के हिसाब से प्राइस ठीक है, मतलब हाँ क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। देखो कितने प्यारे से लगते हैं, थोड़े से मतलब हैवी ड्यूटी वाली क्वालिटी लग रही है ऐसे फील होने पे, और ना पूरा ऐसे ना हुक जैसा है ये, जैसे कानों में ना आपने ये टांग लो बस, और ये कुछ ऐसा सा करके दिखाई देता है। ओह माय गॉड जस्ट लुक एट इट, कितना प्यारा है। एक आपको ना मैं पहन के दिखाई देती हूँ, जस्ट लुक एट इट हाउ प्रिटी इट इज़ लुकिंग। और इस वाली कुर्ती के साथ भी कितना प्यारे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलब अगर आप लोगों का मतलब कोई ऐसा एक इयरिंग पीस होता है ना कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस आउटफिट के साथ मैं कौन सा इयरिंग पहनूं जो कि चलेगा ही चलेगा, दिस इज़ द वन। हर एक आउटफिट मतलब हर एक सच में 100 में से 100 आउटफिट के ऊपर जाएगा ये। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं इसलिए मैंने ले लिया, ये हमारे 2-in-1 स्टाइल कर सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे, ऐसे मिल रहा है ये हुक वाले स्टाइल में, ये मिल रही है आपको चेन, और फ्रंट में आपको ऐसे मिल रहा है इयर रिंग का डिज़ाइन। आई होप इट्स विजिबल, इतना कूल सा है ना, मतलब
वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इयररिंग, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा इसको पार्टी वेयर बनाना है देन यू कैन ऑल्सो वेयर इट लाइक दिस. सो नाइस. बट ना मतलब कोइंसिडेंटली मेरे पास ना एक पूरा सेट ही बन गया इसी डिज़ाइन में. देखो देखो मेरे पास सेम टू सेम डिज़ाइन में एक बैंगल भी है जो कि एडजस्टेबल है, बट स्टिल मेरे हाथों के लिए बहुत बड़ी है. तो पता नहीं मैं इसको कैसे स्टाइल करूँगी चूड़ियों के आगे पहन के ताकि ये रुक जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है साइज़ में. और ये जो रिंग का है ना मैंने एक साथ सेट में लिया है इसको. ये रही हमारी रिंग, आप इसको कैसे भी करके पहन सकते हैं. ये चेन वाली रिंग है मेरे पास, डिजाइन इसका कुछ ऐसा सा दिखाई देता है. ज्यादा सुंदर लग रही है ये अंगूठी देखो, और ना ये एडजस्टेबल है तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. ये वाली रिंग ये मैंने शायद 130-120 रुपए की ली होगी या 150 की, बट ये काफी ज्यादा सुंदर है क्योंकि ना मैंने लोकल मार्केट में देखी थी, वो बहुत ही सिंपल सी थी और वो भी 100 रुपए की मिली थी. उस हिसाब से ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है. बीच में से फ्लावर बना हुआ और पूरे इतनी हैवी सी भरी हुई सी लगती है, देखो कितनी ज्यादा सुंदर लगती है पहनने के बाद. नेक्स्ट मैंने लिया था एक रिंग्स का कॉम्बो सेट, इसमें हमारे को 3 रिंग्स मिलती हैं. ये रिंग्स पहननी पसंद है तो आप ये आराम से पहन सकते हैं, काफी सारे मतलब सिंपल कपड़ों के साथ अच्छी लगेगी. ऐसी सी दिखाई देती है, ऐसा सा दिखाई देता है. मतलब ये इकलौती रिंग 150 रुपए की मिलती हुई देखी है मैंने, बट मेरे को कॉम्बो में मिल गई सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. ये ऐसी इकलौती ही चीज है तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. यहाँ हमारी एंकलेट है देखो, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी है, मतलब पैरों में पहनने के लिए, बट आप लोग चाहें तो हाथ में पहनते, पर हाथ में आएगी नहीं, थोड़ी बड़ी है, बट पैरों में आपके कुछ ऐसे से ही दिखाई देगी. ये दोनों पैरों के लिए है, ऐसे घुंघरू लगी और काली बीड्स लगी हुई हैं. और ये ना आपकी टोरिंग है, मुझे मम्मी ने बताया कि ये शायद मैरिड लोग ही पहनते हैं, बट अभी मेरे पास पड़ी हुई. और ये ना पैरों में चुभती है थोड़ी सी जो टोरिंग है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा सा ऐसा है कि आपके पैरों में थोड़ी सी चुभे. तो इट्स अप टू यू, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थी. अगर आप लोगों को पसंद है आप लोग देख सकते हैं, वरना स्किप करना जब स्किप भी कर सकते हैं. बाद ना मैंने एक और पायल ली थी, ये मैंने 117 रुपीज़ की ली थी, बहुत अफोर्डेबल है. और मेरे पास कोई ऐसी पायल थी नहीं, मुझे थोड़ी अच्छी लग रही थी, हैवी भी है बट हैवी नहीं भी है, कुछ ऐसी सी दिखाई देती है. पूरे में ना आपके ऐसे राउंड होके पैरों पे आ जाएगी, ऐसे घुंघरू घुंघरू से लगे हुए हैं. देखो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है पहनने के बाद, दोनों हमारी ऐसी दिखाई देती हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस भी नहीं करती हैं बट अच्छी भी लगती हैं. ये हमारा ब्रेसलेट है, हुक लगा के हो जाएगी बंद तो, बट ये काफ़ी ज़्यादा प्यार लगता है. देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ऐसे हाथों में पहना हो, ऐसे लगता है ना कभी कभी हाथों में थोड़ा सा हैवी कुछ पहना हो, तो उसके लिए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. सटल सा डिज़ाइन है, देखो कितना ज़्यादा प्यारा सा लग रहा है ना ये डिज़ाइन हमारा ओवरऑल. मैंने भी अभी तक ना ये एक बार ये पहन के नहीं देखा है, बट ये थोड़ा हमारा चोकर रहने वाला है जहाँ तक आई फील. हाँ देखो, ओह ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कुछ ऐसा सा लगेगा हमारा. टॉप स्टाइल नहीं है ऐसे, हमारे झुमके स्टाइल में, मतलब ऐसे हुक वाले स्टाइल में. और सेम टू सेम हमारे को इयररिंग्स मिल रहे हैं दोनों कानों के लिए. देखो कितना प्यारा सा सेट लग रहा है और बहुत ज़्यादा सिंपल सा भी है, आप डेली वेयर लाइफ में भी पहन सकते हैं. ये बहुत ही बड़ा है बट यार ये कितना सुंदर है, लुक एट द डिज़ाइन. में एक निकाल के दिखाती हूँ, पता नहीं कहाँ से छुपा हुआ था ये. देखो ऐसे करके आप लोगों को, अरे हो जा भाई, देखो फ्रंट पे ऐसे करके और फिर चिड़िया मिल रही है और ऐसे लटकते हुए पर्ल डिटेलिंग सा चेन मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. अरे फोकस, देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है पहनने के बाद, ओ माय गॉड जस्ट लुक एट इट. काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मतलब वैसे लाइट वेट है बट पहना हुआ देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लगता है, हैवी सा लगता है कि हाँ हमने काफ़ी अच्छे से इसको पहना हुआ है. मतलब ओवर है थोड़ा, अगर आप लोगों को ऐसे ओवर अच्छे लगते हैं, मुझे तो अच्छे लगते थे. कभी कभी होता ना किसी किसी ओकेजन्स में ऐसे मन कर जाता है कि हाँ कुछ हैवी पहनना है हमने कानों में, बट वो लाइट वेट भी हो एट द सेम टाइम. अच्छा ये मेरे स्टाइल से थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं ऐसे यूजुअली पहनती नहीं हूँ बट ठीक है, आई लाइक इट. मुझे उम्मीद नहीं थी कि सच में जैसा दिखाया है वैसे आ जाएगा, बट डिट्टो कॉपी पेस्ट वैसा ही आया है. काफ़ी ज़्यादा कलरफुल सा, लटकता हुआ, थोड़ा सा से भरा हुआ, मतलब अगर आप लोगों को जैसे पहनना है ना किसी फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमेशा ना ऐसे नहीं होता कि आप लोग सिंपल सिंपल से पहन लो, कभी कभी मन करता है कि हाँ हम लोग कुछ हैवी भी पहने. देखो
है ना कुर्ते का इसका इतना जा नहीं रहा, बट अगर कोई ऐसा गला हो जो कि चौड़ा हो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा इसका पहना हुआ। और इसके साथ आप लोगों को मिलते हैं लंबे से इयर रिंग इसके साथ के। देखो पूरा सेट कितना अच्छा है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इयर रिंग्स का काफी ज्यादा हैवी लग रहा है तो आप इयर रिंग स्किप कर सकते हैं या फिर कोई लाइट वेट इयर रिंग्स ही पहन सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर में डिजाइन, मतलब मुझे रेट्स ना ठीक लगे, मतलब कुछ 300 के अराउंड आपको दो मिल रहे हैं ये, और लोकल मार्केट में भी ना ये काफी ज्यादा ढूंढने में मिलते हैं इस प्राइस पे, मतलब 100-100 रुपए के मिल जाते हैं कभी कभी अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी है, वरना प्राइस रेंज ही ठीक है। गोल्डन वाला कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, ये ना मैं थोड़ा सा कर्वी है एज यू ऑल कैन सी, स्ट्रेट में नहीं है, और आप अपने हाथ के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखो ये कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, और ऐसा सेम टू सेम एक और है, आप दोनों हाथों में एक साथ भी पहन सकते हैं, नहीं तो एक एक करके ही पहन सकते हैं। कुछ ऐसा सा दिखाई देता है ये, देखो ये कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, और ये वाला भी थोड़ा सा कर्वी है, सेम टू सेम आपको दूसरे हाथों का भी ऐसे मिल जाता है डिजाइन। डिजाइनर्स दिखा देती हूँ, देखो काफी प्यारा सा ऐसे इसमें ना डिजाइन वगैरह हो रखा है, काफी ज्यादा सुंदर है, बट ये हमारा कर्वी नहीं है, ये हमारा स्ट्रेट में जाता है, और ये मुझे तीनों में से सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि स्ट्रेट में जाता है तो ऐसे ऐसे कर्वी कर्वी सा नहीं लगता। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली टाइट कर सकते हैं। पहले भी दो थी पर मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने चार ऑर्डर कर लिया कि मुझे एक साथ चूड़ियां पहननी हो, तो यार मैंने इसमें अपना साइज 2-4 मंगवाया था, वैसे मेरा साइज 2-2 रहता है, बट मैंने 2-4 मंगवाया क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी बैंगल्स जो है ना थोड़ी सी बड़ी रहती हैं, छोटी रहती हैं साइज में, टाइट ना हो, तो 2-4 भी ठीक है, मुझे बड़ा ऐसे ऐसे करके घुसाना पड़ता है, बट ये बहुत ज्यादा प्रिटी है, लग रखे हैं बहुत ज्यादा सुंदर है, ये तो मैं कहती हूँ सबको लेना ही चाहिए, काफी ज्यादा सुंदर लगती है, ये ट्रेंड में चले हुए हैं बट मैंने अभी ली है। इसकी क्वालिटी मैं रेट करूंगी ओके है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने रख लिए। ये दो के सेट में आते हैं हमारे पास, मतलब दो आते हैं, और ये कुछ ऐसे ऐसे बेल स्टाइल इनकी शेप है, अच्छे हैं, ये क्वालिटी ओके है। एक ना एक्चुअली बात किया है, ये ना उनकी पॉलिथीन फटी हुई थी एक की, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना मतलब वो जो होता है ना हवा के कांटेक्ट में रहता है तो थोड़ा सा खराब सा हो जाता है, थोड़ा सा रुखा सा। इसकी क्वालिटी काफ़ी सही है क्योंकि इसकी पैकेजिंग बिल्कुल प्रॉपर आई थी, आई तो खैर दोनों एक ही साइज से हैं बट ठीक है, आई डोंट माइंड, क्योंकि जो थोड़ी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है वो बेशक थोड़ी जैसे खराब से भी हो ना मुझे तो भी सही लगती है, क्योंकि मुझे लगता है इट इज़ सपोज टू बी लाइक दैट ओनली। तो ये हमारी कुछ ऐसा दिखाई देता है, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था इसका डिज़ाइन, और ये भी दो के पैर में। और ना एक और चीज़ रह गई थी आप लोगों को दिखानी, जो कि ना मुझे काफ़ी टाइम बाद जाके रिसीव हुई है, ये ना ये वाली रिंग है, ठीक है 90 रुपीज़ के यहाँ पे एडजस्टेबल है ये, लेकिन नहीं टाइट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इससे ज़्यादा टाइट ही हो ही नहीं पा रहा, बट आई गेस आ ही जाएगी सबकी फिंगर्स में इजीली। और डिज़ाइन इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है और बहुत ज़्यादा क्यूट सी है, मुझे अच्छी लगी है, पहन के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को एक बार, कुछ ऐसी दिखाई देती है, देखो सुंदर है ना। आई बिलीव कि आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, बाई चांस कुछ रह गया होगा तो इसी वीडियो में डाल दूंगी, और बस यार मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जल्दी जल्दी जाओ सब कुछ शॉप करो क्योंकि सब इतना सुंदर इतना ज़्यादा प्यारा है और अफोर्डेबल भी है। तो बस यार मैं होप करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई विल मिस यू ऑल, ओके बाय।